नमस्ते, shikhashrivastav.com में आप सभी का स्वागत है। कच्चे केले की सब्जी तो सभी के यहाँ बनती है, लेकिन आज हम इसको कुछ अलग तरह से बनाएंगे। कच्चे केलों को डीप फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चटपटे और कुरकुरे कच्चे केले की सब्जी। तो चलिए देखते हैं कच्चे केलों की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमने लिए हैं 3 केले, जो कि 300 ग्राम केले हैं हमारे कच्चे केले। 1 प्याज ली है, जिसको कि हमने मोटा मोटा काट लिया है, और लहसुन लिए हैं 7-8 कलियाँ। इन दोनों को हमें पीसना है। 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है हमने डीप फ्राई करने के लिए। 2 छोटे चम्मच बेसन, 2 छोटे चम्मच चावल का आटा, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच गरम मसाला, और ये लिया है हमने कटा हुआ हरा धनिया, जिसको कि हमने धो लिया है। सबसे पहले हम प्याज को और ये लहसुन को पीसेंगे। मसाला हमारा पिस गया, प्याज और लहसुन, और इस प्याज और लहसुन को पिसे हुए को हम एक बाउल में डालेंगे। पॉट में जो मसाला पड़ा हुआ है डला हुआ, और इसमें थोड़ा पानी डाल के ये भी हम इसमें डाल लेंगे। और अब हम इस मसाले में प्याज लहसुन में बेसन डाल देंगे, चावल का आटा डाल देंगे और मिला लेंगे इसको अच्छे से। बेसन और चावल का आटा डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, सूखा हो गया है मसाला, तो हम इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, अमचूर डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे इसको। इसको मसालों को सबको अच्छे से चलाने के बाद लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और पिसा हुआ धनिया पाउडर, और अच्छे से चला लेंगे। अब देखिए, धनिया अमचूर और सारे मसाले हमने मिला दिए, तो ये मसाला हमारा ये जो है पेस्ट, ये फिर से गाढ़ा हो गया। और अब हम इसमें 1/4 कप पानी और डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। और अब हम लास्ट में इसमें नमक डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच हमने डाला है, आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से चला लेंगे। अब ये केलों के लिए घोल हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है, इसको हम अलग रख देंगे, और तब तक हम केलों को काट लेते हैं। अब हम केलों को काटेंगे, तो सबसे पहले हम केलों का छिलका उतार लेंगे ऊपर से, सारे केलों का इस तरह से। ये देखिए, हमने सारे केलों को ऐसे काट लिया है, और अब हम इनके 1 और 2 ऐसे पीस करेंगे, 3, और फिर हम 1 केले के 2 पीस कर देंगे। तो देखिए, केले हमने सारे काट लिए, और अब हम इन सारे केलों को ये जो हमने घोल बनाया है इसमें डाल देंगे, और हरा धनिया भी डाल देंगे हम, और इसको मिला के, जिससे केलों में सारा मसाला चढ़ जाएगा आराम से। अब हम इस घोल में केलों को डाल के 5 मिनट के लिए ढक के हम रख देंगे। देखिए, 5 मिनट हो गए हैं, और अब हम इसको अच्छे से चला देते हैं। अब ये हमारा बिल्कुल घोल तैयार है। पैन को गर्म होने रख देते हैं, और उसमें हमने सरसों का तेल लिया था, ये डाल लेंगे। देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है, और अब हम इसमें डालेंगे एक एक पीस करके, अच्छे से एक एक पीस के ऊपर मसाला लपेटते हुए इसको ऐसे डालते जाएंगे। देखिए, हमने सारे पीसेस इसमें डाल दिए हैं घोल में लपेट लपेट के, और जब ये पीछे से सिक जाएंगे फिर हम इनको पलटेंगे, बिल्कुल सिम गैस पे इनको सिकने देंगे हम। अब देखिए, ये सिकने लग गए हैं, ब्राउन होने लग गए हैं, अब हम इनको पलट लेंगे एक एक करके। देखिए, दूसरी तरफ से भी ये ब्राउन हो गए गोल्डन, ऐसे इनको पलटते जाएंगे सबको। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देते हैं। अब सारे ही केले हमारे सिक गए हैं, और अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं सेकना है, इनको गोल्डन करना है।
एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। दूसरी बारी में भी ऐसे ही इनको तलेंगे। तो देखिए दूसरी बारी के भी हमारे ये बिल्कुल तल के तैयार हो गए हैं, और गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इनको भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए चटपटे और कुरकुरे हमारे केले बिल्कुल तैयार हैं बनके, और आप इनको पराठों के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, शाम को चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हैं स्नैक्स के रूप में। और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ देखते रहने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।